चुनावी वर्ष होने के कारण विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार इस वर्ष धरने प्रदर्शन में जुट गए हैं। शुक्रवार को ऐसा ही एक प्रदेशव्यापी प्रदर्शन आशा और ऊषा पर्यवेक्षक महिला संगठन के बैनर तले किया गया। छतरपुर जिले में संगठन की जिलाध्यक्ष हीरा देवी सिंह चंदेल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए इन महिला कार्यकर्ताओं ने 2 सूत्री मांगों, नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा किया। सबसे पहले इन महिला कार्यकर्ताओं ने मोटे के महावीर मंदिर परिसर में एकजुट होकर सभा का आयोजन किया। यहां हीरा देवी सिंह चंदेल सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने महिला को अपनी शक्ति को जानने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आह्वान किया। इस प्रदर्शन के दौरान छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भी यहां पहुंचे। श्री चतुर्वेदी ने महिलाओं को बताया कि वे उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। मांगों को पूरा करने के लिए पूर्व में विधानसभा प्रश्न भी लगा चुके हैं और जल्द ही प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन महिलाओं की जायज मांगों को पूरा कराएंगे। इस सभा के बाद उक्त महिलाएं रैली के रूप में छत्रसाल चौक पहुंची, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह इन महिलाओं को मिल गए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बहनों की मांग पूरा करने के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगें पूरी कराई जाएंगी। हीरा देवी सिंह चंदेल ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये और महंगाई भत्ता व आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये व महंगाई भत्ता के साथ आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए। बहने हैं और बहनों की मांग को तो भैया को मानना ही मानना है। शिवराज भैया मानेंगे, वहाँ छतरपुर में मानेंगे। इनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इनका जो कई सालों से परेशान है, अब इनकी परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। बहुत जल्दी ही हम यहाँ का प्रतिनिधि मंडल लेकर CM साहब से मिलवाने ले जा रहे हैं। हम लोगों की देखिए 2 ही मांगे हैं, आशा बहन को 10,000 प्लस इंसेंटिव, आशा पर्यवेक्षक बहन को 1,500 रुपये रोज का वेतन भत्ता और साथ में आशा एवं पर्यवेक्षक बहन को नियमितीकरण। ये 2 मांगे मेन है हमारी। और जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज जिले के विधायक हमारे बीच में पधारे माननीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा जी, उनने इन बहनों को आश्वासन भी दिया है और उनने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया था। हम सब बहनों की तरफ से उनको धन्यवाद और उनने ये आश्वासन भी दिया है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इन बहनों की आशा को 10,000 प्लस इंसेंटिव, पर्यवेक्षक को 15,000 और 100 रुपये 15 गांव के भ्रमण के लिए रोज 100 रुपये के हिसाब से भत्ता देंगे और नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। आशा ऊषा पर्यवेक्षक महिलाओं का जो ये संगठन है, ये निरंतर अपनी मांगे काफ़ी समय से जो इनकी मांगे हैं इसकी अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मैंने विधानसभा में इन बहनों का प्रश्न भी लगाया था लेकिन सरकार के तरफ से जो जवाब मिला वो बहुत निराशाजनक सवाल जवाब दिया गया था कि इनके पक्ष में सरकार कुछ करने जा रही है, ऐसा उनके जवाब में कहीं पर भी ये महसूस और एहसास नहीं हुआ। मैं आज अपनी बहनों के बीच में आके उन्हें आश्वस्त करने ये आया हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको उनका हक दिलाया जाएगा। उनकी जो 2 मांगे हैं, इन दोनों मांगों को कांग्रेस के वचन पत्र में भी शामिल किया जाएगा और हमारी बहनें परेशान ना हों जो दिन रात गांव देहात शहर में सब जगह काम करती हैं, लोगों की भलाई और सेवा करती हैं। ऐसी महिलाओं को, बहनों को वो राहत मिलनी चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अपना एक बीड़ा उठाया है कि हम महिलाओं, माताओं, बेटियों के हित में जो उनको समृद्ध और सशक्त करना है, उस क्रम में अपनी बहनों को भी सशक्त किया जाएगा और समृद्ध किया जाएगा, ये आश्वासन मैं आज यहाँ उनके इस आंदोलन में, इस हड़ताल में उनके बीच में कह के जा रहा हूँ।